शैम्पू का इस्तेमाल तो आप सभी करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं शैम्पू की खोज किसने की? ये खोज की थी 18वीं सदी में भारत के डीन मोहम्मद ने, जिनका जन्म पटना में हुआ था और उनके पिता नाई समुदाय में काम करते थे। पिता ने उन्हें हर्बल औषधि, साबुन इत्यादि बनाना सिखाया था और आगे चल के ये उनके बड़े काम आया। पिता की मृत्यु के बाद वो एक अंग्रेजी अधिकारी के साथ आयरलैंड चले आए। वहाँ उन्होंने पढ़ाई की और शादी की और फिर वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने रेस्टोरेंट की शुरुआत की जो कुछ खास नहीं चली, जिसके बाद 1821 में उन्होंने द इंडियन मेडिकेटेड वेपर बाथ की शुरुआत की, जहाँ चंपी की जाती थी। उन्होंने पश्चिमी राजघरानों के लोगों को अपनी सेवाएं दी। शैम्पू पर उन्होंने किताब भी लिखी जो 3 भागों में आई और लोगों के बीच चंपी शैम्पू के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ब्रिटिश एशियाई समुदाय के बीच उन्हें अगुआ माना जाता था, लेकिन भारत में लोग उन्हें आज भी नहीं जानते। वैसे आप शैम्पू का कितनी बार प्रयोग करते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए।